सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी वाराणसी के तत्वाधान में मिर्जापुर जनपद के नारायणपुर ब्लॉक सभागार में क्षेत्रीय पत्रकारों और भारत सरकार के बीच संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से वार्तालाप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के 60 से अधिक पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी नवनीत सेहारा व विशिष्ट अतिथि नारायणपुर ब्लॉक के प्रमुख चंद्र प्रकाश सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरीय प्राध्यापक डॉक्टर बाला लखेंद्र, खंड विकास अधिकारी शिव नारायण सिंह, वरिष्ठ पत्रकार रणवीर सिंह, पूर्वाधिकारी नरसिंह राम, डॉक्टर लालजी, पीआईबी वाराणसी के मीडिया एवं संचार अधिकारी प्रशांत कक्कड़ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम के दौरान सीबीसी सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण विषय पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। बतौर मुख्य अतिथि कार्यशाला को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी नवनीत सेहारा ने कहा कि स्वच्छ पत्रकारिता लोकतंत्र का प्राण है। निर्भयता पूर्वक सच्ची व अच्छी पत्रकारिता करना आपका कर्तव्य है। आपकी रिपोर्ट सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी तहसील से और तहसीलों को ये संदेश पहुंचे कि फेक न्यूज और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हम तो कर ही हैं, और इसी का दूसरा पहलू यह है कि जो अखबार पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पर जो भी न्यूज पढ़ते हैं, आप लोग का भी स्वयं एक दायित्व होता है कि उसको क्रॉस वेरीफाई कर लें। कभी कभार ऐसे आप लोग को लग रहा होगा कि फेक न्यूज हम नहीं होंगे इसके शिकार, मगर आप होते हैं। आप देखिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे या तमाम चीज़ों पे आपको एक मीम आ जाता है कि ये करने से आपका ये कैंसर दूर हो जाएगा, ये इसका सेवन करिए ये सही हो जाएगा। उससे कुछ तथ्य होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, रिसर्च होती है, मगर हम कभी उसमें जाने की कोशिश नहीं करते। कभी हमने सोचा है कि एक बार वेरीफाई कर लें, हम लोग उसे इस्तेमाल करना चालू पहले कर देते हैं कि हमने मीडिया पे पढ़ा है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यूजर की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं या जो कुछ भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक बार हम भी उसमें संतुष्ट हो जाए कि जो हमने पढ़ा है वो सही है, जो हम अपने लोगों को आगे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं वो भी एकदम क्रॉस वेरीफाई करके एकदम सही चीज आ गई है। तो इसीलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पीआईबी के तौर पर एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और आप लोग आज इकट्ठे हुए हैं, ऐसी ही बिंदुओं पे चर्चा होगी तभी हमारा जो मीडिया है तहसील का वो और स्ट्रांग रहेगा, और इससे हमारा और आपका सहयोग हमेशा बना रहेगा विकास के लिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास तभी होता है जब मीडिया और जो एडमिनिस्ट्रेशन साथ में चलिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आयोजित किया गया है आज चुनार में, और इसका जो मूल उद्देश्य ये है कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के जो कार्यक्रम है, भारत सरकार सूचना मंत्रालय का जो कार्यक्रम है और भारत सरकार का जो कार्यक्रम है गांव के, समाज के और राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति तक के लिए, उसकी सूचना वार्तालाप को देना। वार्तालाप कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये है कि ये जो पत्रकार हैं वो अपनी ही समस्या रखें और उस क्षेत्र में जो विकास की गतिविधियाँ संचालित हैं, चाहे वो बेटियों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, किसान के लिए हो या किसी शिक्षा के लिए हो, तो उस सूचना को लोगों तक पहुंचाना। तो मूल उद्देश्य यही है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा कि ऐसी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई जाए, और जिससे कि आने वाले दिनों में, आज हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करके आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जब हम 25 वर्ष बाद स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर रहे हों, तो ये भारत एक विकसित भारत हो, समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो, और उसके लिए आवश्यक है कि लोगों को सही तरीके से सूचित किया जाए, सही सूचना प्रेषित की जाए, और इसी उद्देश्य के साथ पीआईबी का जो वाराणसी कार्यालय है वो इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, जिसका नाम है वार्तालाप, जिसमें हमारे जिलाधिकारी भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, और कार्यक्रम के सहयोग जो हमारे जनप्रतिनिधि भी आते हैं, पत्रकार गण भी आते हैं, और जो लाभान्वित है वो भी आते हैं। सर, टोटल इस समय गांव ग्राम में ज़्यादा सरकार की छवि खराब हो रही है, उसमें क्या है? देखिए, आज की तारीख में ये जो एक क्रांति आ गई है, खासतौर से कोविड के बाद में जो एक लोगों के पास मोबाइल हुआ, और मोबाइल में आप इजीली कोई चैनल बना सकते हैं कुछ भी, तो इससे निश्चित रूप से हम लोगों से निवेदन करेंगे कि अगर आपको ऐसी कोई भी सूचना यूट्यूब के माध्यम से या बाकी माध्यम से मिलती है तो आप उसको फैक्ट चेक के लिए जाइए, उस सूचना की तहकीकात करिए, और निश्चित रूप से इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है जो गलत सूचना से, वो हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं, क्योंकि उनकी उनको इतना जागरूकता नहीं है, और इस जागरूकता के कारण ऐसे जो लोग हैं जो तथाकथित पत्रकार बनते हैं, तो आप उसका पर्दाफाश भी कीजिए, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने इस दिशा में कार्य करना आरंभ कर दिया है,
और बहुत जल्दी ही कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जिससे कि ऐसे लोगों के आईडी सीज किए जाएंगे, ऐसे लोग जो फर्जी पत्रकार हैं उनको रोका जाएगा।